हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए रसायन विज्ञान का पार्ट 3 लेके आए हैं। अगर इसके पहले आपने हमारे दो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें वीडियो में जाके। और अभी तीसरे पार्ट में हम 60 से लेकर 90 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम रेलवे के, चाहे NTPC हो या फिर ग्रुप डी। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ज्ञान RBL के नाम से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं, पहला है ड्यूटीरियम, प्रोटियम, रेडियम या ट्राइटियम। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ट्राइटियम कहते हैं। अगला है, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जो सोडा वाटर होता है, जो पिया जाता है, उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये चौथा ऑक्सीजन। तो हम बात करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, CO। ये जहरीली गैस होती है जो कि अंगीठी से निकलती है या फिर कोयले से निकलती है। इससे संपर्क में आने पर दम घुटने से मौत भी हो सकती है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं। ये सोडा वाटर में बुलबुले के रूप में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, 63 नंबर, हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है। जो हैबर की प्रक्रिया वो किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अमोनिया में। अगला है, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है। तो किसमें, बेंजीन में, कैरोसिन में, इंथर में या फिर जल में। तो इसको हम किस पे रखते हैं, श्वेत फास्फोरस को जल में रखते हैं, क्योंकि ये जो वायु है उसके साथ क्रिया करके जलने लगती है, तो इसीलिए हम इसको जल में रखते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। हाइड्रोजन जो होता है उसको अगर हम जलाएंगे तो क्या बनेगा। पहला है ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या पानी। तो पानी बनता है। हाइड्रोजन जब मतलब वायुमंडल से अभिक्रिया करता है, वायु से अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, पानी बनता है। जैसे कि बात करते हैं 2H2+O2। अगर ये क्या है, हाइड्रोजन है हमारा, और वायु से अभिक्रिया करके मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा, 2H2O, मतलब क्या बनेगा, जल बन जाएगा इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, पहला है तांबा, सोना, चांदी और लोहा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लोहा। अगला देखते हैं, सोरा जो बारूद के बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम कार्बोनेट। सोरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, KNO3, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और एक चीज़ और, ये बारूद के बनाने में तो प्रयुक्त होता है, मगर कितने प्रतिशत, लगभग 75% बारूद में इसका यूज किया जाता है। तो इसका सही नाम क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गैलेनन निम्नलिखित तत्वों में से किस एक का प्रमुख अयस्क है। जस्ता, सीसा, मैग्नीज या फिर सोना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीसा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण सर्वाधिक पाई जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है सबसे ज़्यादा कितनी, नाइट्रोजन, लगभग ये 78% वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन लगभग 21%, लगभग 20.95 इस तरीके से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। अगली बात करते हैं, अम्ल राज मिश्रण होता है। अम्ल राज क्या होता है, जो एक मिश्रण होता है, तो ये कौन सा होता है, 3HCl+HNO3 या फिर S3PO4+H2SO4 या फिर 3HNO3
प्लस टू एच सी एल या फिर डी है H2SO4 प्लस CH3COOH। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला 3HCl प्लस 1HNO3। अगला बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो जल का शुद्धिकरण करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होगी, अमोनिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरीन। अगर क्लोरीन सही हो जाएगा हमारा, क्लोरीन क्या करता है कि जल को शुद्ध कर देता है। ये अगर दूषित जल है उसमें क्लोरीन की हम गोलियां डालेंगे तो जल शुद्ध हो जाएगा। तो क्लोरीन की गोलियां मार्केट में मिलती हैं, तो इसके जरिए हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। अगला है गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है। जो गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाता है उस पर किसका लेप किया जाता है, तो ऑप्शन हमारे जिंक, निकेल, क्रोमियम या सल्फर। तो ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा, जिंक, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैटर में भरने पर जल्दी बाहर निकलेगी। मतलब कौन सी गैस फुटबॉल में भरा जाए तो जल्दी बाहर निकल आएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हाइड्रोजन। क्यों होगा, क्योंकि ये सबसे ये इनमें से हल्की धातु है, इसलिए हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगी। अगला बात करते हैं अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की आती है। जो आग बुझाने वाले जो अग्निशामक होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व प्रमुख मनुष्य के प्राकृतिक रूप से में नहीं होता, मतलब प्राकृतिक रूप में नहीं होता। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, तांबा, जस्ता, आयोडीन और सीसा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीसा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, मोनोजाइट किसका अयस्क है। जो मोनोजाइट है वो किसका अयस्क है, जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या फिर लौह। तो थोरियम का। अगला देखते हैं, फोटोग्राफी में स्थायी कार के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, सोडियम सल्फेट या अमोनियम सल्फेट या सोडियम थायोसल्फेट या बोरेक्स जिसको सुहागा बोलते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी सोडियम थायोसल्फेट। अगला देखते हैं, लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण क्या है, क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक या फ्लोरीन यौगिक या एसिटिक अम्ल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सल्फर यौगिक। सल्फर के कारण इसमें काफ़ी दुर्गंध होती है एक विशेष प्रकार की। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती। अमलगम क्या होता है, जो मिलके बनती है पारा से। तो कौन सी, लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा। तो सी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन सही होगा, लोहा। अगला देखते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। जो स्टेनलेस स्टील होते हैं जिसके बर्तन आदि बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या प्रयोग में लाया जाता है, पहला है क्रोमियम और निकेल, दूसरा है निकेल और तांबा, तीसरा है क्रोमियम और ग्रेफाइट, चौथा है बेंजीन और एसीटोन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए क्रोमियम और निकेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीला थोथा क्या है। नीला थोथा क्या है, सबको पता है ये कार्बन तांबे का यौगिक होता है। इसका नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कीटनाशक में, विद्युत लेपन में या विद्युत सेलों में किया जाता है। अगला है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व तो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो सही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फाइड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं, CaCO3। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था। अगला है, पीतल मिश्रण है किसका है। पीतल मिश्रण टिन और चांदी का, टिन जस्ता का, टिन तांबा का या फिर जस्ता और तांबा का।
तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, जस्ता और तांबा का। इसका लगभग कितने प्रतिशत जस्ता होता है? 70% जस्ता और 30% तांबा से मिलकर पीतल बनता है। अगला, किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? नीला थोथा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, या फिर जिंक ऑक्साइड, या पारा। तो किससे? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 86 क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है। तो आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में कौन सी गैस उपयोग होती है? जो पीले लैंप, जो मरकरी जलते हैं जिसमें पीली पीली रोशनी होती है, पीली रोशनी, उसमें कौन सी गैस आजकल यूज में लाई जाती है? अब तो वाइट रोशनी वाली शुरू हो गई, मगर पहले पीली होती थी ज़्यादातर, अभी भी ज़्यादातर पीली रोशनी वाली लैंपें प्रयोग होती हैं। तो उसमें कौन सी रोशनी है? पहला है सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हमारा सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा? सोडियम होता है उसमें, Na। चलिए अगला देखते हैं, गुरुजल क्या है? ऑक्सीजन प्लस हैवी नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन नहीं होगा, इसको हम काट के हाइड्रोजन कर लेंगे, हैवी हाइड्रोजन, गलत टाइप हो गया है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस नवजात ऑक्सीजन, या हैवी हाइड्रोजन या हैवी ऑक्सीजन। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, जिसको हम D2O भी बोलते हैं। भारी जल को ही गुरुजल भी कहा जाता है, जो मंदक के रूप में प्रयोग लाया जाता है। अगला है हाइपो, जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? हाइपो, जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइनेट, सोडियम नाइट्रेट, या सोडियम थायो सल्फेट। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? Na2S2O3, H2O3 × 5H2O, 5H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया था? पाइरेक्स, फ्लिंट, क्रूग या क्रिस्टल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्रूग कांच का। अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रहे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।